तो हरीश रावत साहब, देखिए पुष्कर सिंह धामी साहब ने बात कही कि, और उससे पहले मेरा मैंने जो सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ सबका आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, युवाओं का आशीर्वाद है, तो बड़े तो आप भी हैं, तो और ये कह रहे हैं कि आप इनकी इतनी चिंता करते हैं तो उसके लिए साधुवाद दे रहे हैं आपको। हाँ दीदी, कुछ इनका गड़बड़ जो चीजें इनके साथ हुई हैं उसको अलग रख दें, विशेष तौर पर खनन आदि में जो गड़बड़े हुई हैं उनको अलग रख देखिए। नहीं, तो आज हम जीत के दावों पर सिर्फ बात करेंगे, काफी आगे का वक्त है जी। देखिए इस समय मुझे इस बात की अच्छा लगा कि अब कम से कम धामी साहब ने 60 के पार वाली बात तो नहीं कही ना जी। नहीं तो भाजपा का तो छोटे से लेकर के बड़े तक एक ही बात कह रहे थे, मतलब सामान्य कार्यकर्ता से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक एक ही बात दोहराते थे जो इनको रटाया जाता था कि 60 के पार, तो 70 सीटों में 60 यही ले जा रहे थे और पार हो रहे थे, मतलब 2-4 और बढ़ सकते थे, तो दूसरों के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी जी। तो कम से कम अब ये गुंजाइश में तो आ गए हैं, कुछ तो घटे हैं, कुछ तो इन्होंने हकीकत को माना है कि भाई ठीक है आप रिएक्शन लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी साहब क्या कहना है? घटे नहीं है, हम वहीं पर कायम है अभी। हरीश रावत की बार 60 पार का ही नारा होगा और इनको आप और अन्य पार्टियां जो है 10 पर रहेंगे आप लोग, और शायद मेरे ख्याल से हम 60 से ऊपर कायम है, 60 के पार कहा है, ये भी नहीं कहा कि 60 पर रुकेंगे, हम उस पर कायम है और 10 तारीख को उसका रिजल्ट जब सामने आएगा तो दिख जाएगा, तो हमें कोई संदेह नहीं है, हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से।